पीहू 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 क्या हुआ? आप बोलो पीहू, आगे बोलो पीहू। कहाँ? यहीं पर ही आंटी। पीहू पीहू आपको यहाँ पे कौन लेकर आया? कहाँ पा कहाँ? पीहू आगे पीहू लेकर कौन आया? इधर इधर। पीहू को किसी ने बांध तो नहीं पिला दी? वॉचमैन कहाँ है? वॉचमैन आदि क्या हुआ पुत्र? क्या हो गया पीहू को? पीहू पुत्र क्या हुआ? क्या हुआ? पीहू ने ठंडाई पी ली लगता है। ठंडाई? किसने पिलाई ठंडाई पीहू को? पता नहीं चिट्टी। पीहू पीहू आके खोलो। पीहू हां, रमन और इशिता कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रहे काफी देर से। हाँ अका और जीजू तो उनको तो मैंने भी नहीं देखा इतनी देर से। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि आ गई और वो दोनों उसके पीछे चले गए हो? कहीं पापा और ऋषिमा ने निधि को पकड़ तो नहीं लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ने? एक बार घर चल के देखते हैं। चलो चलो ले जाओ। इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया है, पर उस बच्ची ने मुझे देख भी लिया है। ऊपर भी नहीं है, मैंने चेक कर लिया। मैंने पीहू को अपने कमरे में सुला दिया, पर ऋषिमा मुझे पूरे घर में कहीं पे भी नहीं दिखी। नीचे भी सब जगह देखा है, दोनों कहीं नहीं दिखाई दे। मैं तो सबसे पहले आ गई थी, तब तक कोई भी नहीं आया था, सिर्फ रोमी भैया ही अपने रूम में सो रहे हैं। ये तो उन दोनों के हंसने की आवाजें उनके कमरे से आ रही है। इधर तो कोई भी नहीं लगता है। बाथरूम में अभी तो इधर बेटी क्या कर मदद हम थोड़ा ऊपर ही चलते जाके उन दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। दादू मैं निकालता हूँ, चल। अरे तू है का? 10 मिनट से बोल रहा है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट तेरा 2 मिनट होगा कि नहीं होगा? जल्दी आ गधे, आ उससे ले। पुलिस का कहना है कि निधि यहाँ आई ही नहीं, मतलब वो अभी भी फ्री घूम रही है और हम उसे फिर पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि होली की पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना, सब कुछ अच्छे से हो गया मम्मी जी। हाँ पुत्र, यह भी शुक्र है कि उधर कोई गड़बड़ नहीं हुई, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी कि किथे उस वाहियात निधि ने तो रोमी रमन और ऋषिता को भंगनी पिलाई दी। ओ नहीं नहीं दोषी जी, मुझे तो लगता है कि ये किसी पड़ोसी की या किसी बच्चे की शरारत होगी। हो सकता है निधि आई ना हो पार्टी में। नीलू ब्लैक कॉफी देख। बस क्यों रो, क्या हो गया? इसलिए हंस रहे कि तू घोड़े पे से उतर गया। घोड़ा किधर है तेरा? घोड़े से उतर गया मतलब? ओ पुत्र, आज तूने होली पार्टी में इतना हंगामा किया बस पूछो ही मत। और तू तो जंग का सिपाही बना हुआ था, सबके साथ जंग लड़ रहा था। कुछ भी बोलते हो यार। शुक्र है चलो ये तो घोड़े से उतर गया, पर पता नहीं रमन और ऋषिता का क्या हाल है। वो देखो वो हेलीकॉप्टर से उतरे कि नहीं उतरे। ये तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसने भांग पिला दी। फिर रोमी को तो पता था कि सिर्फ मदरसन को पिलानी, वो भी एक ही ग्लास, ताकि उससे वो राज खुलवा लूं कि ऑफिस में सिग्नेचर किसने फोर्ज किए। वो प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह से पूछना पड़ेगा। आई इशिता मैम, सुनना क्या जरूरत थी? क्या अभी ना इनोसेंट मत बनो, ये सब जो आपने किया नीचे वो सब करने की क्या जरूरत थी? आपको समझ में नहीं आता है कुछ? भांग पिलाया आपने मुझे यार। देख मैंने तुझे कुछ मत बोलो,
मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा अभी आप पर। निधि को पकड़ने के लिए इतनी सारी प्लानिंग की थी हम लोगों ने, आपने मुझे भांग पिला दी रमन, पूरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। सर दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ। अब सुनेगी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैंने तुझे सिर्फ एक ही ग्लास भांग पिलाने का प्लान बनाया था, रोमी से पूछ ले। लेकिन जिस प्ले से तूने वो दूसरा ग्लास उठाया ना, उस ठंडाई में किसने भांग डाली मुझे नहीं पता। और ये मुझे भी तो चढ़ गई थी भांग, मैं थोड़ी पीने वाला था खुद। अब आप में सेंसेस नहीं है कि आप कुछ मुझे अपने भांग पिलाई क्यों? तेरी फॉल्ट है। मेरी क्या फॉल्ट है इसमें भी? तूने छुपाया क्यों? क्या छुपाया आपसे? अरे तुझे पता है ना कि मेरी ऑफिस में रूही के सिग्नेचर फॉर्ज किसने किए? तू सीधे सीधे बोल देती जब मैं पूछ रहा था, तूने नहीं बताया तो मुझे करना पड़ा यार। ये भांग पिलाया उसके लिए ऑप्शन था? इतनी पिचिंगी पुलिस को तैनात किया, इतनी बड़ी बात थी हम सबके लिए, पूरी फैमिली ड्रामा करी थी, निधि हमारे हाथ से निकल गई और आप? अरे शांत हो जा यार, क्यों जैसे बिहेव करते हो आप? शांत हो जाएगी विक्रम, पुलिस वाले थे ना वहाँ सिविल में, उन्हें तो भांग नहीं पी थी ना, उन्होंने कहा ना कि वहाँ निधि नहीं आई थी यार। और निधि को तू जानती है, मैं जानता हूँ, अगर वहाँ आती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती। कुछ हुआ नहीं हुआ ना, इसका मतलब वो नहीं आई थी वहाँ। गधे ले उठ गई, गए थे उस बच्ची किडनैप करने, बस इतना औरत को उठा के लाना पड़ा। इसने मुझे उस बच्ची के साथ देख लिया था और ये समझ गई थी कि मैं उसके साथ क्या करने वाला था, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि तू वहां कार से लेट आया था, इसलिए पकड़ के लाना पड़ा इसे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करूं, जिंदा तो इसे छोड़ ही नहीं सकता। अब मुंह क्या देख रहा है, दरवाजा खोल। अब तुझको मरना ही होगा। अबे सुन तो ले क्या बोलना चाहती है, और सुन चूचा मत करना, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बोल। मेरी बात सुनो, तुम तो गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। मेरे हाथ खोलो, मेरे हाथ खोलो, मैं दिखा दूं तुम्हें कुछ। मैं बोल रही हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मेरा नाम निधि है, मैं इसी तरह मन वो दोनों की बच्ची जिसको तुम इंडिया में करना चाहते थे, वो मेरे दुश्मन है। लुक, आई एम सॉरी, लेकिन एटलीस्ट इस बात का सुकून है कि हमारे बच्चे सेफ हैं। मदरसन, तुझे पूरा यकीन है कि निधि जिंदा है? देख, आई मीन हो सकता है कि तूने जिस निधि की रिपोर्ट्स पढ़ी हो डॉक्टर पत्रा की क्लिनिक में, वो कोई और निधि हो, क्योंकि जिस निधि के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो बदला नहीं भूलेगी अपना। अगर वो जिंदा है और उसे पता है कि उसका भाई सोहेल हमारे साथ है, तो मुझे लगता है वो चुप बैठने वाली थी। आई एम श्योर कि उसने कुछ ना कुछ किया होता अगर वो निधि होती तो यार। आई एम वेरी श्योर कि निधि जिंदा है, मैंने रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़े थे, मेरे सारे कैलकुलेशंस यही कहते हैं। अब आई डोंट नो वो क्यों नहीं आई, या तो वो सतर्क हो गई, या तो उसे समझ में आ गया कि हम लोगों को मालूम चल गया इसलिए वो नहीं आई, या ये भी हो सकता है ना कि वो आई हो, वो है इतनी शातिर कि हमारी आंखों से बच के निकल भी गई और हमें पता भी ना चला। पॉसिबल है ना? लेकिन जो भी बात है, सतर्क हमें रहना होगा, ये हमारी फैमिली का सवाल है। लेकिन सुन, हम किसी और से कुछ नहीं कहेंगे घर में अभी, क्योंकि पुलिस वालों ने सबको यही बताया कि निधि वहां नहीं आई थी, एंड ये सुन के सब लोग काफी रिलैक्स्ड हैं। प्लीज क्या हो गया यार? आई मिस यू। आंटी जी, ये आपके लिए मैसूर पाक बंधु स्पेशल चेन्नई से लेकर आई। तुम लोगों को बहुत मिस किया मैंने।
हाँ का हमने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा सीरियसली। अरे तूने एक मजेदार होली पार्टी भी मिस कर दिया, थोड़ा पहले आती ना तू। हाँ वंदु, तुमने रमन का प्लेन राइड भी मिस कर दिया। अयो वो तुमको उसके प्लेन में घुमाने ले जाता, ये ना रमन। प्लेन? रमन? तुमने प्लेन? इशू इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं? रमन इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया कि उसका खुद का जेट है। अरे आप कभी भी देख लेना ना, आपका यहीं पे ऊपर बाथरूम ही पार्क। बाथरूम में पार्क मतलब? हाँ तो भांग के नशे में कुछ भी हो सकता है, ये पायलट पैसेंजर और बाथटब हमारा प्लेन। क्या यार बंधु, देखो तुम्हारे कारण ना मेरी रमन की फ्लाइट मिस हो गई। अरे बस बस अब प्लेन लैंड करवा दो यार। चलो बैठो, आओ चलो बैठो। बंधु चिट्टी, हमने ना आपको बहुत मिस किया। अब आप यहीं आ गए हो ना, श्रवू भी यहीं रहता था फिर वो भी आपके साथ वहाँ चला गया। अब ना आप दोनों परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस। गुड आइडिया। एक्चुअली अभी तो मैं एक ही हफ्ते की छुट्टी लेकर आई हूँ, लेकिन अगले टर्म में मैं डेफिनेटली दिल्ली ट्रांसफर लेने वाली हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए हूँ ना, तो खूब धमाल करेंगे, है ना? यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बेचारे का क्या? ये आदमी, ये बीवी का बक बाला से भाला बन गया है, सूख गया देख। पर मुझे नहीं देख रहे हो तुम एकदम स्ट्रेस फ्री? नहीं बट सीरियसली, मुझे नहीं लगता कि बाला मुझे मिस करता था। व्हाट नॉनसेंस यार, तुमने सुना नहीं अभी रमन ने क्या कहा, बीवी का भक। अच्छा बंधु आ गई है तो आज इवनिंग को कुछ स्पेशल करते हैं, हम सब डिनर करते हैं एक साथ, मैं सबको डिनर खिलाऊंगी। चिट्टी आप ना अभी रेस्ट कर लो जाके, और शाम को धमाल मचाते हैं। ओके इशू मेकअप, चलो डिनर रेडी करना है। वो तो सब ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि मैं जो इतना प्लान किया था, क्या हो निधि को तो पता नहीं चला? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बांग इतनी खतरनाक किसने बनाई थी जो हमारी ऐसी हालत हो गई। उस बच्चे के माँ बाप को मैंने भांग पिलाई ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्या प्लान बना रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। मुझे सिर्फ रमन और ऋषिता से मतलब है। मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि तुम उस बच्चे को किडनैप क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि रमन भल्ला और उस ऋषिता को मैं कैसे बर्बाद करूं। बहुत इंटरेस्ट है ना तुम्हें बच्चों में, बहुत पसंद है ना खूबसूरत से प्यारे प्यारे से बच्चे, इसलिए तुम्हें वो प्यारी सी पीहू पसंद आई। चलो ठीक है, तुम्हें पीहू पसंद है ना, तुम्हें पीहू चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। आई मेक श्योर एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें वो बच्ची दिला दूं और तुम मेरा काम करने में मेरी हेल्प करो, रमन और ऋषिता से बदला लेने का। मंजूर है तो बोलो। कैसे दही वड़े? इससे टेस्टी दही वड़ा कहीं नहीं खाया। अम्मा अपनी बेटी को सिखाना कैसे बनाते हैं? आपकी बेटी को तो जाता ही नहीं, अम्मा कुछ सिखाया नहीं ना आपने। आता है, बहुत अच्छा बना। ये बंधु तुम्हारा पायसम स्पेशल विद ड्राई फ्रूट, मोर ड्राई फ्रूट। यम्मी, वाह क्या मजा आ गया घर का खाना खा के। वहाँ पे चेन्नई में तो सिर्फ मैं और शबू ही होते थे डाइनिंग टेबल पे, और बाला भी यहाँ आ गए तो और भी अकेलापन लगता था। अब पता है मैं क्या करती थी, वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बच्चे आते थे ना, उनको डिनर के लिए रोक लेती थी, तो फिर बेटर लगता था। वाओ चिट्टी, दैट इज ग्रेट। मतलब बच्चों को ट्यूशन के साथ साथ खाना फ्री। हाँ इसे रोक जाते थे। पायसम। नहीं तुम कब बोले? क्या बात है मेरे हीरो, आज इतने शांत शांत लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं, तुम जाके एंजॉय करो सबके साथ। Are you okay? Yeah. आलिया, जल्दी आओ वरना तुम्हारे शहर का पायसम भी ना मैं फिनिश कर दूंगी, जल्दी आओ। हाँ हाँ खा लो। नहीं यू नो इशू दिल्ली हो या चेन्नई, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स एक जैसे ही होते हैं। मतलब इनफैक्ट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि
आजकल की जेनरेशन इतनी भी फ्रिवलस नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली एक स्टूडेंट ने मेरी कबर्ड से एग्जाम पेपर चुरा लिया था। प्लीज 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 यार, ये बातें मत करो यार। ये ऐसा कुछ सुनता हूँ ना तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वैसे अक्का, आपको जो मतलब मेरी वजह से आप बालाजी जो आपको प्रॉब्लम हुई थी, वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और पता है उसने क्या किया? पेपर चुराने के बाद खुद अगले दिन मेरे पास आकर उसने अपना क्राइम कबूल किया। उसे ये रियलाइज हो गया था कि झूठ की बुनियाद पे जिंदगी नहीं चलती है। उसे ये लगा कि भले ही मुझे कम मार्क्स मिले, लेकिन मैं जो भी करूंगा पढ़ाई करके करूंगा। वैसे बंधु, तूने इसकी रिपोर्ट तो नहीं की ना? नहीं अप्पा, मैंने ऐसा नहीं किया। बिकॉज मुझे उसे सीख देनी थी कि अगर आप जिंदगी में ऑनेस्ट हो तो फिर आपको एक और मौका मिलता है, सजा नहीं। बंधु नल्ला इरका, I am proud of you खन्ना। और फिर पता है क्या हुआ? उसने उस टर्म में एग्जाम में टॉप किया। Really? तो उसकी जिंदगी का सबक मिल गया। आलिया का कॉल आया था, वो अय्यर आंटी के यहाँ है। वो बंधु आई हुई है ना, तो इसलिए घर पे सब लोग मस्ती कर रहे हैं। आई विश हम भी वहां जा सकते, सबके साथ डिनर कर। क्या मनी, इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? मैम सॉरी, वो एक्चुअली ये मेरा नया प्रोजेक्ट, तुम्हारे पिलो के नीचे से ये बुक्स मिले थे। आई एम सॉरी, तुमसे बिना पूछे दे दिया मैंने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स हैं यहाँ पे। यू नो व्हाट, हमारे बेबी का नाम तुम ही डिसाइड करोगे। शगुन, नाम हम दोनों की चॉइस का ही होना चाहिए। तुमने भी तो कुछ नाम सोचे होंगे। थैंक यू। ये तुम्हारा पहला बेबी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ही डिसाइड करो कि हमारे बेबी का नाम क्या होगा। एंड आई नो कि तुम कोई अच्छा ही नाम सोचोगे, कोई चुन्नू मुन्नू टाइप का नाम तो नहीं सोचोगे। वैसे मैंने कुछ बहुत अच्छे नाम सोचे हैं। अगर लड़की हुई तो शर्वरी, शर्वरी राघव, शर्वरी मींस नाइट। और अगर लड़का हुआ तो शौर्य। पर दोनों नाम ऐसे। हाँ, तुम्हारा नाम ऐसे है इसलिए। लेकिन ए फॉर अभिमन्यु, ए फॉर अंतरा, ए फॉर अंश, ये भी तो हो सकता है। अंतरा राघव, अंश राघव, वेरी नाइस, वो भी हो सकता है। यू नो व्हाट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बेबी अब तक दुनिया में आया नहीं है, उसने हम दोनों को इतना क्लोज कर दिया। तो सोचो कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद क्या होगा। शगुन, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बेबी की वजह से हमारा बॉन्ड और गहरा होता जाएगा। I'm really happy. You know, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी औरत हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती थी। Security, a great husband, a beautiful life. I mean, just see ना, मैंने अपनी लाइफ में कितनी गलतियाँ की, बच्चों की परवाह नहीं की। I was a bad mother. I was a bad human being. And उसके बाद भी God has been so kind. Really, I feel blessed. अब मैं ना बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ, ऐसे ही हंसते रहना चाहती हूँ। I have it all. मेरे पास लाइफ में सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। And I promise you, शगुन, कि तुम ऐसे ही खुश रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। बात सुनना, ये बहुत ज्यादा मतलब यार, यार कबाब में हड्डी कौन है यार? जीजू, मैं आपके लिए एक छोटी सी बैड न्यूज लाई हूँ। इससे बुरा क्या हो सकता है, क्या हुआ? हाँ, हो सकता है वो ये कि आज आपको ना यहाँ अकेले सोना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि बंधुआ का इतने दिनों बाद घर आई है, हम सारी बहनें मिलके उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी। अरे तो तुम्हारी बंधुओं का मतलब क्या, सोना पड़ेगा, गैस बड़ी क्यों उड़ जाएगी? है ना पूरा हफ्ता यार, थके हुए सब, होली है यार, सब थके है ना? नहीं, हफ्ता काफी नहीं होता है बहनों के लिए। बहुत बातें इकट्ठा है, आई थिंक अच्छा आइडिया है ना, अभी चलना चाहिए। यस, लेट्स गो। अरे चलो तुम लोग यार, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मदरसन भी ना जानबूझ के चली गई, तो जाए मुझे क्या, कम से कम फैल के सोने का मौका तो दे दी। कोई बात नहीं मदरसन, तुझे कल पटा लेंगे।
देखा मन बदली है ना, आ गई ना तो आदि। हाँ बोल आदि, क्या बात है, तूने सोने की तैयारी नहीं की, तो क्या हुआ? पापा मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोल, क्या हुआ बोल ना। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, सुनने के बाद शायद आप मुझसे गुस्सा हो, और होना बनता भी है। आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी पापा, पर सब मैं तय करूंगा ना, पहले तो बताएगा हुआ क्या है। पापा मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पर मुझसे हो गया, और मैंने ये सब। आदि गेट टू द पॉइंट, क्या किया तूने? पापा मैंने ये कंपनी के इंटरेस्ट बचाने के लिए किया, मुझे लगा कि हमारा स्टाफ छोड़ के ना चले जाए, हमें बस वो जो पेपर्स पे बहुत साइन हुए थे रूही के, वो मैंने किए थे पापा। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।